ಶ್ರವಯಾಮ್ಯೋ ಗಣ ತಕ್ಷ ಪ್ರ ಚಲ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಶ್ರವ್ಯಾಮ್ಯೋ ಗಣ ಆ ನಮ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರಯೋಗ ಗುರು ಎಕ್ ದೋ
तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक एक दो। अर्धवृत्त प्रयोग तीन करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक एक दो। भुजंड प्रयोग चार करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अर्ध घोष, Thank you.
तव सम्यक्। सांघिक योगासन तक्ष एक पदांतरेण स्थल दंड एक दो तीन चार आ रम सम स्थिति एक दो वीरभद्रासन प्रकार एक मंडुकासन
ब्रह्मनार। माननीय महानगर संघ चालक जी से प्रार्थना करता हूं कि वे कृपया कार्यक्रम का प्रास्ताविक परिचय स्वागत तथा आभार करें। आज के अपने इस उत्सव के प्रमुख अतिथि राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत आदरणीय शंकर जी महादेवन, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी होसबोले, माननीय प्रांत संघ चालक श्री रामजी हरकरे, माननीय महानगर सह संघ चालक श्री सीताराव गाड़गे, अधिकारीगण, उपस्थित आदरणीय संतगण, सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति तथा प्रिय संसद बंधुओं, विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर महानगर की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। विजयादशमी पर्व मानवीय सभ्यता को स्थापित करने का पर्व है। अपने आप को संगठित शक्ति के साथ सीमोल्लंघन का पर्व है। अपने देश में इस पर्व को दुष्कर्मों पर सत्कर्मों की विजय, असत्य पर सत की विजय, मर्यादाहीनता पर मर्यादा की विजय, ऐसे अनेक संदेश देने का पर्व माना जाता है। दुष्कर्म, असत्य, मर्यादाहीनता इत्यादि दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करना यानि ऐसी रावण प्रवृत्ति का दहन करना, सांकेतिक रूप से रावण दहन करना इस पर्व की रूढ़ी सी बन गई है, सिर्फ संकेत देने वाली बन गई है। परंतु इसका काल सुसंगत अर्थ समझकर इसको कृति रूपता देना, ऐसा हर समय समाज की जरूरत रहती है। संघ निर्माता परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1908 में इस परंपरा को संधि मानकर मध्य प्रदेश के रामपायली गांव में वंदे मातरम का जय घोष कर स्वतंत्रता के लिए समाज को प्रेरित कर स्वदेशी का भाव जागरण किया था। विदेशी भाषा भूषा, विदेशी शासन प्रशासन को रावण मानकर उनका प्रतिनिधिक दहन किया। देश की स्वतंत्रता के लिए अग्रसित होना उस समय का काल सुसंगत अर्थ था। सन 1969 में उडुपी में हुए धर्म सम्मेलन में सभी पूजनीय धर्माचार्यों के मुख से न हिंदू पतितो भवे का उद्घोष और प्रस्ताव पारित होने के बाद पूजनीय श्री गुरुजी द्वितीय सरसंघचालक इतने आनंद भर क्यों हुए थे? क्योंकि हिंदू समाज में हजारों वर्षों से चली आ रही भेदाभेद और विषमता की सीमा रेखा को पार कर, अर्थात काल सुसंगत सीमोल्लंघन कर हिंदवा सोदरा सर्वे का नया पथ जो उनके जीवन का लक्ष्य था वह प्रारंभ हुआ था। इसी पथ को आगे प्रशस्त करते हुए 1983 में पूजनीय बाला साहेब देवरस जी ने पुणे में हुई वसंत व्याख्यान माला में स्पष्ट शब्दों में कहा था, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग देन नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, इट मस्ट गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। समाज में समरसता का व्यवहार करना यह काल सुसंगित सीमोल्लंघन है। देश और समाज के सामने जो समस्याएं हैं जिनका निराकरण समाज ही कर सकता है, उसके लिए सिद्ध होना यह आज का सीमोल्लंघन है। सुदृढ़ कुटुंब व्यवस्था, सुखकारक पर्यावरण, स्वदेशी के प्रति गौरव का भाव और नागरिक कर्तव्यों के प्रति सदैव जागरूकता जीवन में स्वीकार कर उसके लिए प्रयासरत होना आज का काल सुसंगत सीमोल्लंघन है। पूर्व काल में राज्य को समृद्ध, उन्नत और विस्तारित करने के लिए सीमोल्लंघन किया जाता था। आज परम वैभवशाली, आत्मनिर्भर और एकात्म भारत के लिए इसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के माध्यम से यह कार्य पिछले 98 वर्षों से चल रहा है। विशेषकर युवाओं में अनुशासन, समाज के लिए दायित्व निर्वहन करने का मन और देशभक्तिपूर्ण चारित्र्यपूर्ण युवा तैयार हो,
युवा मनोवृत्ति की सक्रियता बढ़े, इस पर विशेष प्रयास चल रहे हैं। यही कार्य विशेषकर युवाओं में भक्ति जागरण, राष्ट्र प्रेम जागरण, युवाओं में जोश और अपनी भारत माता का वंदन का अपने आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री पुरस्कृत माननीय शंकर जी महादेवन अपने प्रभावशाली वाणी और संगीत से कर रहे हैं। कहते हैं, जुनून और उद्देश्य मिलते हैं तो जादू पैदा होता है। यह बात माननीय शंकर जी पर चरितार्थ होती है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और बंदे गाए जा तू राग केसरी, है बुलंदी पर ये तिरंगा। ऐसे गीत गायन ने युवाओं में देश के लिए अभिमान और हाथ में अपना तिरंगा लेने के लिए प्रेरित किया है। माननीय शंकर जी महादेवन का जन्म 3 मार्च 1967 में चेंबूर मुंबई में पलक्कड़ अय्यर परिवार जो कि केरल से है, वहाँ हुआ। बचपन से ही आप शास्त्रीय संगीत, कन्नड़ संगीत, कर्नाटका संगीत में विशेष रुचि लेने लगे और 5 वर्ष की उम्र में ही वीणा वादन करने लगे। सन 1988 में आपने कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सेवा एक कंपनी में देने लगे। आपका विवाह मुंबई की ही संगीता जी से हुआ, वे भी आज हमारे उत्सव में उपस्थित हैं। आपके बेटे सिद्धार्थ और शिवम दोनों ही गायक कलाकार हैं। अंदर का कलाकार हर वक्त अपने मूल स्वभाव को जिंदा रखता है और कला को दबा भी नहीं सकता। उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और म्यूज़िक ग्रुप शंकर एहसान लॉय ग्रुप का हिस्सा बने और संगीत और गायकी की दुनिया में कदम रखा। आपके फिल्मी गीतों एल्बम से आपको प्रसिद्धि मिली। आपके भक्ति गीत, राष्ट्र प्रेम के गीत युवाओं में जोश और उत्साह भर दे, ऐसे गीत भी शामिल हैं। वैसे तो अनेक अवार्ड आपको हासिल हुए हैं, परंतु कुछ उल्लेखनीय जो हैं, आपको 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, 3 बार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष पार्श्व गायक के लिए और 1 बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए मिला। 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित आपको किया। आपने तमिल, कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में गीत गाए हैं। आपका पहला एल्बम ब्रीथलेस था, जिसमें आपने एक सांस में 2.25 मिनट तक गीत गाया और वे काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। आपने फिल्मों में भी अभिनय किया है। अभिनय कुशलता, हमने मराठी फिल्म कटियार काजात घुसली ये मैं देखी है। हाल ही में आपको संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। कला के क्षेत्र में सफल ऐसे हमारे मुख्य अतिथि का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। परम पूज्य सरसंघ चालक जी माननीय मोहन जी से विनंती करता हूँ कि आप पद्मश्री शंकर जी महादेवन का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। आज का यह उत्सव सभी के सहयोग से सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। अपने मुख्य अतिथि पद्मश्री शंकर जी महादेवन की उपस्थिति तथा उत्साहवर्धक मार्गदर्शन हमें युवाओं में संस्कृति और कला के माध्यम से राष्ट्रभाव जागृति कराने में प्रेरित करेगा। गायन और संगीत के माध्यम से भक्तिभाव और राष्ट्र प्रेम जगाने के पुण्य कार्य में आप अति व्यस्त रहते हैं। इस व्यस्तता के बावजूद आप यहाँ सपत्निक पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी पंथों के पूज्य संतों ने अपने इस उत्सव में पधार कर हमें आशीर्वाद दिया है। आपकी कृपा हमें निरंतर मिलती रहे, यही कामना करता हूँ। हमारे निमंत्रण को मान देकर विशेष रूप से पधारे वरिष्ठ सज्जनगण, नागरिक बंधु और भगिनी, उन्होंने यहाँ त्यौहार के दिन उपस्थित रहकर हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पत्रकार बंधु,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वृत्त पत्र के प्रतिनिधि, छायाचित्रकार अपने इस उत्सव को देश और विदेश के हर कोने में पहुंचाते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने इस कार्यक्रम में कई तरह की व्यवस्थाएं लगती है और जो हमें उपलब्ध कराते हैं, ऐसे न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन, CPN बिरार सोसाइटी, नागपुर शिक्षण मंडल तथा नागपुर सुधार प्रन्यास, जिन्होंने हमें मैदान उपलब्ध कराया, डॉक्टर हिडगे और स्मारक समिति, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिन्होंने स्वच्छता, पानी इत्यादि की व्यवस्था प्रदान की, महाराष्ट्र विद्युत मंडल, पुलिस प्रशासन, विविध सुरक्षा यंत्रणा, जिन्होंने सुरक्षा और वाहतूक व्यवस्था प्रदान की, ऐसे और भी प्रशासनिक विभागों तथा व्यक्तियों का, यहाँ पर नियमित रूप से खेलने वाले खिलाड़ियों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी यहाँ व्यक्ति गीत होगा। आदरणीय प्रमुख अतिथि, आपसे श्री शंकर जी महादेवन से मैं निवेदन करता हूँ कि गीत पश्चात आप हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य सरसंघ चालक जी से अनुरोध है कि तत्पश्चात अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें। शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना, शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना, मातृभूवाराधना, दैव ने भी राम प्रभुहित लक्ष्य था ऐसा विचारा, दैव ने भी राम प्रभुहित लक्ष्य था ऐसा विचारा, कंटकों के मार्ग चल कर राम ने रावण संहारा, ताकि निष्कंटक रहे, ताकि निष्कंटक रहे हर देव ऋषि की साधना, कर रहे हम साधना, मातृभूवाराधना, ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया, ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया, और तिल तिल जल स्वयं ने कोटि दीपों को जलाया, ध्येय पथ पर चल पड़े, ध्येय पथ पर चल पड़े, ले उर विजय की कामना, कर रहे हम साधना, मातृभूमि
आराधना विजिगिषा का भाव लेकर देश में स्वातंत्र्य आया विजिगिषा का भाव लेकर देश में स्वातंत्र्य आया बने समरस राष्ट्र भारत बोधयः दायित्व लाया छल कपट और भेद से था छल कपट और भेद से था राष्ट्र जन को तारना कर रहे हम साधना मातृभू आराधना धर्म संस्कृति है सनातन रखे जलवायु सुहावन धर्म संस्कृति है सनातन रखे जलवायु सुहावन पंक्ति में पीछे खड़े का उन्नयन हो नित्य भावन राष्ट्र का उत्थान साधन राष्ट्र का उत्थान साधन विश्व मंगल कामना कर रहे हम साधना मातृभू आराधना शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना भारती की जय विजय हो भारती की जय विजय हो ले हृदय में प्रेरणा कर रहे हम साधना मातृभू आराधना कर रहे हम साधना मातृभू आराधना नमस्कार। सबसे पहले सभी विश्व के सभी लोगों को आज दशहरा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी विजय दशमी। तो मैं शुरू करने से पहले जस्ट एक माँ सरस्वती के ऊपर एक श्लोका गाऊंगा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता
या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभि देवे सदा वंदेता सामान पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापह मे माँ सरस्वती गिव एवरीबडी द स्ट्रेंथ द नॉलेज टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड. नमस्कार परम पूज्य सरसंघ चालक जी and all the dignitaries on the stage. Sabse pehle toh, I am totally in disbelief that I have been called as a chief guest, Pramukh Atithi, for this glorious program which marks a historic event year after year in our country. Jaise ye news WhatsApp mein circulate hone laga, mujhe vishw bhar se calls aane lage. लोगों का जो प्यार है, लोगों की जो खुशी है, वो उसमें दिखने लगी. आई रियली रियली थैंक ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द संघ परिवार, द स्वयंसेवक्स फॉर गिविंग मी दिस ऑनर दिल से. सम मोमेंट्स सम ओकेजन्स आर लाइफ चेंजिंग एंड दे लीव सच अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वन्स जर्नी ऑन दिस प्लैनेट एंड टुडे is definitely one of them for me. Firstly, meeting Param Pujya Mohan ji in Mumbai. The meeting was in person, one-on-one, which was such a fulfilling experience that I'm sure that many people in this country would love to experience this. I'm really lucky and fortunate. You know, he could have actually just sent a WhatsApp message or he could have just sent a Swayamsevak's message to me that aap aaiye yahan par and I would have come very easily. But no, the invitation was personal, one-on-one, with a lot of love, with a lot of respect and with a lot of warmth. It really touched me. And then coming here to Nagpur to experience this, something that really, really, I mean, what can I say? It was a mind-blowing experience, as we young people we say. You know, this grand function that is happening, going to the Smarak, paying tribute, all this is really something that, you know, Mohanji's simplicity, his love, this spectacular program, all these arrangements, I really don't know how the coordination happens between all of y'all. It is really, really so surprising and so happy I am feeling. And today, after seeing all this, it has made me an even more proud Bharatiya Nagarik today. Sangeetkar aur gayak logon se agar bhashan dene ko bolenge na, to wo bahut ghabra jate hain aur main bhi ghabraya hua hoon. Agar gana wana gao, do teen gana gao bole to aaram se hum log ga lete hain. Lekin ye zara sa आई थिंक बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहन जी आपने मुझे दिया है वो मैं समझता हूँ क्या है. तो इसके लिए मैं जो भी बोलूँगा, अगर मुझसे कुछ गलती हुए तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग दैट मच. RSS और उनका जो प्यार है देश के प्रति और देश के लिए जो काम सभी इसके परिवार के सदस्यों ने किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों से क्या बोलूं? मैं सिर्फ आप लोगों को नमन कर सकता हूं, आप लोगों से आशीर्वाद ले सकता हूं. मैं सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूं कि हमारे अखंड भारत का जो विचार है, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे संस्कृति को बचा के रखने में इस देश में आप लोगों से ज्यादा किसी और का योगदान नहीं है. थैंक यू फॉर दैट. मैं थोड़ा सा अभी डाइवर्ट होके थोड़ा म्यूज़िक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे म्यूज़िक के अलावा कुछ आता नहीं सर. इन अ ग्लोरियस कंट्री वी हैव म्यूज़िक
which is so, so rich in heritage that it ranges back to many, many centuries. And वो एक खजाना है, that's a treasure that we have, which no other country in the world has got. Everyone knows the significance of, अभी आप लोगों ने गाया, the most powerful mantra, Om. जब हम Om गाते हैं, it resonates through every organ of our body. Our Natya Shastra, our Upanishads, our Vedas. This is a land where we say Asatoma Sadgamaya, Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Ye Vishwa Shanti Mantra hai. Praying for every human being's peace, every creature's peace. This is what is our country. And that is what we need to make the present generation and the next generation understand and realize. You know, people like me, we are not politicians. And we don't know laws, we don't know intricacies of how a country functions. But every citizen, whichever profession he is in, maybe he's a corporate person, he's a carpenter, he's a dancer, he's an actor, he's a sportsman, or a musician like me. You have certain responsibilities as a proud Bharatiya Nagarik that you need to show some respect, some allegiance, some love for the essence of this country through your work and through your core competence. I'm not saying that आप ऐसा कुछ करो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, समथिंग दैट इज आउट ऑफ योर वोकैबुलरी. हर एक क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने काम करेंगे. आप अपने क्षेत्र में वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, बट मेक अ डिफरेंस इन आर कंट्री. यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन विथ योर ओन फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ म्यूजिशियन, आई ऑलवेज थिंक इट इज माई ड्यूटी टू स्प्रेड आवर म्यूजिक. Our music which has been there for years and years and years, that music all over the world. Jab mera concert hota hai, Bollywood ke concert karte hain, 14 saal, 15 saal, 16 saal, 25 saal ke bacche hain, unka annual function hai, shayad wo enjoy karne aaye hain, wahan par nachne aaye hain, gaaye hain, it's a year celebration. Lekin us concert mein bhi main apna kartavya samajhta hu ke jab main ga raha hu, kahin na kahin apne संस्कृति के बारे में, अपने शास्त्रीय संगीत और अपना डीप रूटेड कल्चर नेक्स्ट जेनरेशन को बताने का कर्तव्य मैं समझता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बच्चे बैठे हैं तो मैं शुरू हो जाता हूँ सर, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी पस्तले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका डम 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 डमन निनाद वर्वयम चकार चंड तांडवम धनो तुन शिवम शिवम. जब ये सुनते हैं बच्चे, ऑटोमेटिकली ये ऐसा मंत्र है कि ये ऐसा गाना है कि आप यू विल फील द पावर, और वो फील करते हैं और उनको समझ में आता है हमारे कल्चर क्या है. जब गाने कंपोज करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे की पीढ़ी उनको हमारी शास्त्रीय संगीत का दृश्य दिखना चाहिए संगीत के माध्यम से. भले वो फिल्म गाना हो, भले वो एक्शन फिल्म हो, भले वो रोमांटिक फिल्म हो या थ्रिलर हो, लेकिन उसमें जब मौका मिले तो हमारा कल्चर आप नेक्स्ट जेनरेशन तक पहुंचाइए. फॉर एग्जाम्पल, एक रोमांटिक फिल्म जिसके लिए हमने गाना गाया था, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, ये खमाज है, ये हमारे शास्त्रीय संगीत है. लेकिन ये गाना कमर्शियल जो स्ट्रीम में लेके आए तो हम अपने अगले पीढ़ी को खमाज का एक दृश्य दिखा सकते हैं और हमारा कल्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं. कट्यार कालजात घुसली, जैसे आपने अब बात कर रहे थे, कट्यार कालजात घुसली जब हम कंपोज कर रहे थे, तब उसके डायरेक्टर मेरे मित्र हैं सुबोध भावे जी, हम दोनों, हम लोग इसके गाने बनाते वक्त फैंटसाइज करते थे, यार ये गाना जब बनेगा, ये बंदिश बना रहे हैं हम, ये भजन बना रहे हैं, सूर निरागस हो, ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित है और हम ये
ऐसा होना चाहिए कि अगली पीढ़ी जो है, बच्चे जो है स्कूल में, रियलिटी शो में, अपने बिल्डिंग के जो गणपति के उत्सव है या कोई बर्थडे फंक्शन है, यहाँ सब जगह ये गाने गाना चाहिए, ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, वो अगले पीढ़ी तक इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड। और वो हुआ, अगर आप देखेंगे कोई भी रियलिटी शो देखेंगे, उसमें बच्चे गाते हैं, मन मंदिरा ते जाने उजड़ो न घे साधका संवेदना संवादे सहवेदना जपता ना मन मंदिरा। तो ये जो है ये हमारे कर्तव्य है। सो मोहन जी के साथ जब हम बैठे थे और वो बता रहे थे कि ये बैंड जो मार्चिंग बैंड है वो राग रागनियों पर आधारित कॉम्पोजिशंस बजा रहे हैं, आई थॉट व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया इट इज, व्हाट एन अमेजिंग वे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं है और कहीं देखा भी नहीं है। और इतने सुंदर सुंदर राग में हमारे जो मार्चिंग बैंड है वो बजा रहे थे, इट इज सच। और आगे भी चल के सर एनी, मैं किसी भी तरह का इसमें आई कैन बी इन्वॉल्व इन कंपोजिंग या सिंगिंग या प्लेइंग, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। 11 साल पहले मैंने अपना एक अकेडमी शुरू किया था, शंकर महादेवन अकेडमी, और उसमें हम शास्त्रीय संगीत 90 से भी ज़्यादा कंट्री में हमारा शास्त्रीय संगीत विश्वभर में हम सिखा रहे हैं। तो इस तरह से यू नो, फर्स्टली आई थिंक वी शुड ऑल स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट आवर म्यूजिक एंड रियलाइज दैट we have one of the greatest forms of music and rhythms in our country, and this I'm speaking after experiencing playing and performing with musicians from all over the world. जब मैं संघ परिवार को देखता हूं तो एक उदाहरण, एक analogy मेरे दिमाग में आती है, उसके बारे में बोलूंगा और समाप्त करूंगा सर। अगर आप कोई भी धुन ले लें, विश्व के कोई भी धुन ले लें, whether it's African, Indian, अरबी, कोई भी धुन ले ले, उसके पीछे देयर इज समथिंग कॉल्ड सरगम्स। अभी आप, मैं एक धुन गाऊंगा, उसका सरगम है निजगा बाबा निजाम, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, सानी 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 सागरी सनी धनी धनी। ये सरगम जो है, दिस इज लाइक, अगर आप कोई भी नासा का भी बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम भी ले लें, उसके नीचे होता है बाइनरी कोड्स। अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो बाइनरी कोड्स में आप उसको डिकोड कर सकते हैं। कोई भी आप शब्द लें, यू कैन डिकोड इट टू द रिस्पेक्टिव अल्फाबेट्स। सिमिलरली कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयं सेवक को देखता हूँ, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब ज़रूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि हमारा देश, अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं जो गीत को जान देते हैं। तो एक वक्त ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं सर से भी बोल रहा था कि विश्व भर में, मैं अभी पूरा अमेरिका घूम के आया, पूरा यूरोप घूम के आया, यूके घूम के आया, भारत और भारतीय नागरिक को पूरा विश्व रिस्पेक्ट के नज़रों से देखने लगा है, सारा जग। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जहाँ भी हो, जहाँ भी जाओ, जब भी जाओ, सर उठाकर गर्व से कहो कि मैं भारत का एक नागरिक हूं। बी प्राउड ऑफ दैट। वंस अगेन आई थैंक परम पूज्य सर संघ चालक जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल द डिग्निटरीज ऑन स्टेज। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर दीजिए। एवरी मेंबर ऑफ द संघ परिवार, द स्वयं सेवक, फॉर दिस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, जो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। जाने से पहले मैं, एक गीत है भारत जो प्रसून जोशी जी ने लिखा है, वो इफ यू परमिट मी चार लाइन में गाता हूं सर। hmm.
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पद्मत श्री डॉक्टर शंकर महादेवन जी, परम श्रद्धेय संतवृंद, माननीय सरकारवाह जी, विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक, माननीय सहसंघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी तथा आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, वास्तव में हमारे प्रमुख अतिथि जी ने जो बात अपने भाषण में कही उसके अलावा और कुछ कहने की सोचने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे गायक भी है और अच्छे वक्ता भी है, ये आज पता चला है हमको। परंतु मुझे तो बोलना पड़ेगा, लिखित भाषण मेरा चला गया है मीडिया में, उसमें से बातें आएंगी, परंतु कुछ बातें आपके सामने यहां से रखना ये आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैं रख रहा हूं। ये बात सही है और हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं।
जैसे G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता से की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। केवल भूतकाल की बात नहीं, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, दुनिया भर के देशों के लोगों ने। और हमारे मन की जो सद्भावना है, प्रामाणिक सद्भावना है, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने में पहले ही दिन परिषद का घोषणा पत्र एकमत से कराने में, और हमारी राजनीतिक कुशलता भी उन्होंने देखी, हमारी प्रामाणिक सद्भावना भी उन्होंने देखी। विशेषकर आर्थिक विषयों पर केंद्रित जो परिषद होती थी उसमें पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई, महिलाओं के उन्नति की, महिलाओं के नेतृत्व की बात कही गई, और वो मानव केंद्रित बात हो गई। उसमें करुणा के ग्लोबलाइजेशन की बात भी यहां जो सी20 हुआ था वहां रखी गई थी। ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया, इसको हमने अनुभव किया। ऐसा अभिनंदनीय कार्य हमारे सामने हुआ है। और केवल उसी, इसमें नहीं, हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए, 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक, 28 स्वर्ण, रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हम आगे बढ़ रहे, और केवल भौतिक बातों में नहीं, राष्ट्र का पुरुषार्थ उस राष्ट्र की अपनी धरोहर के आधार पर, अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श, भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का, रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को, यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी, धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से। परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है, समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का,
प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं, परंतु ये सारे प्रसंग भारत का एक अमृत काल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है। और इसलिए शताब्दियों की संकट परंपरा को पार हमने किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ध्यान में आता है। हमने सदाचार अहिंसा की शिक्षा देने वाले भगवान महावीर जी का 2550वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। हिंदू विश्व राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका 350वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने के लिए, योग्य बनने के लिए हमको फिर से अपने मूल की ओर खींचा और उसकी स्पष्ट और यथार्थ कल्पना दी, रूढ़ी कृतियों को बाजू रखकर वास्तविक अर्थ क्या है वो बताया, उनका 200वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। ऐसे ही रानी दुर्गावती, भारतीय महिलाओं की शक्ति, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, प्रशासकीय कुशलता, प्रजाहित दक्षता, इसका परिचय देने वाली, उनका 500वां वर्ष, और साथ साथ भक्ति का परिचय देने वाली संत मीराबाई, इनका 550वां वर्ष, ये अभी हम संपन्न करने वाले हैं, आगे उनका वर्ष है। ऐसे ही अपने राजनीतिक प्रशासन की कुशलता के साथ साथ, प्रजाहित दक्षता के साथ साथ, जो अपने जीवन को सामाजिक विषमता के निर्मूलन के लिए लगा चुके, ऐसे कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज का, उनका भी 150वां जयंती वर्ष हम मना रहे। अभी अभी हमने संपन्न किया, तमिलनाडु में एक संत हो गए वल्ललार जी, श्री रामलिंगम वल्ललार जी, उन्होंने अपने जवानी से ही स्वतंत्रता की अलग समाज में जगाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो दरिद्रता दिख रही, भूखे लोग दिख रहे, वो अंग्रेजों के गुलामी के प्रतीक है, और उसका उपाय मैं करूंगा। तो उन्होंने पहले अन्नदान प्रारंभ किया। उस समय तमिलनाडु में जो चूल्हा उन्होंने अन्नदान के लिए जगलाया, वो आज भी जल रहा है और वहां अन्नदान कार्यक्रम चल रहा है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक जागृति के आधार पर सामाजिक समता और स्वतंत्रता का संदेश देने वाले वल्ललार जी की भी 200वां वर्ष अभी अभी संपन्न हुआ, अक्टूबर में पूरा किया। इन सब महापुरुषों के द्वारा हमको ये संदेश मिलते हैं सामाजिक समरसता के, स्व के गौरव के, अपने परंपरा के, दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या क्या है उसके। जैसे हमारे प्रमुख अतिथि जी ने उल्लेख किया, हमारे हर बात में हमारा स्व है, संगीत में है, अन्न में है, सारी बातों में है। उसको दुनिया को देने का समय आ गया है, और इसलिए उस स्व का गौरव धारण करके, स्व के आधार पर देश का एक यशस्वी जीवन खड़ा करके बताना संपूर्ण दुनिया को, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और उसके साथ साथ वो आज के विश्व की आवश्यकता भी है। आज का विश्व 2000 साल सुख की खोज में अनेक प्रकार के प्रयोग करके थक गया, और वो कहता है कि हमको रास्ता चाहिए, क्योंकि विश्व में अनेक समस्याएं जिनका हल उनको नहीं मिला। स्वार्थ और कट्टरपन के चलते कलह चलते हैं, उसका कोई हल नहीं दिख रहा। विश्व ने प्रयास किया सबको एक रंग में घोलने का, सब में यूनिफॉर्मिटी लाने का, एकरूपता लाने का, वो यशस्वी हो नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि बनी है विविध, वो विविध ही रहेगी।
विविधता में एकता कैसे आएगी, उसका कोई आधार उनके पास नहीं है। और इसलिए स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे, स्वार्थों के टकराव और अतिव्यादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। प्रकृति विरुद्ध जीवन शैली, जीवन में स्वैरता, अनिर्बंध उपभोग, आत्यंतिक व्यक्तिवाद, अमर्याद शोषण, अधूरी दृष्टि के कारण उपजने वाले ये सारे दोष है, उसके चलते जो समस्याएं पैदा हुई है पर्यावरण की वगैरह, विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है। और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए, भारत को अपने देश में इन समस्याओं का निराकरण करके रास्ता दिखाना होगा। अपने देश में भी यह समस्या है, समस्याएं हैं बड़ी बात नहीं, समस्या होना कोई गलत नहीं, जीवन में समस्या रहती है। और हम आज दिखा रहे हैं कि हम सामना करके उन समस्याओं का उपाय करेंगे। हमारे यहां भी रहती है समस्या, पर्यावरण की समस्या हम देखते हैं, संकट हम पर भी है। अभी हिमालय क्षेत्र में जोशीमठ में घटनाएं हुई, हिमाचल प्रदेश में घर धसने लगे, उत्तराखंड में हुआ, पूरे हिमाचल क्षेत्र में ये जो प्रकृति का प्रकोप दिखता है, चर्चा करते लोग कि क्या होगा, यहां भी गड़बड़ हुई तो कैसे होगा, कोई बड़ा संकट आने वाला है क्या? आने वाला होगा तो होगा, लेकिन डरने की क्या बात है, उसका उपाय करने की बात है। महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हमारी उत्तर सीमा इस क्षेत्र से बनती है, हमको सीमा सुरक्षा का भी विचार करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में उत्तर भारत की सारी बड़ी नदियां जल लाती है, चीन को भी जल ले जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया को भी जल ले जाती है। इस क्षेत्र का खराब होना इसका मतलब हमारी जल व्यवस्था का खराब होना होता है, तो जल सुरक्षा का भी विचार करना पड़ेगा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य का भी विचार करना पड़ेगा। उत्तर को हिमालय की दीवार खड़ी है, इसलिए हमारे यहां 6 ऋतु चलते हैं, वर्षा होती है मौसमी हवाओं के कारण, वो हवाएं वहां टकराती है, फिर से भारत में वापस आती है, जाते समय आते समय वर्षा होती है। इसमें अगर बदल हुआ तो पर्यावरण का संकट भी है। और इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र में चीन दस्तक दे रहा है। जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, कुल मिलाकर अपने देश के स्वास्थ्य के लिए उस हिमालय क्षेत्र का एक क्षेत्र के नाते अलग सा विचार करते हुए इसको कैसे करना, इसको हमको तय करना पड़ेगा। ये तो एक क्षेत्र विशेष की समस्या हो गई, परंतु कुल मिलाकर ही हम अगर देश की स्थिति देखते हैं तो देश आगे बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आगे जाना है, लेकिन आगे जाते समय दुनिया को नया रास्ता दिखाना है अपने स्व के आधार पर। तो हम लोगों को दुनिया की नकल नहीं करनी है, हम लोगों को अपना रास्ता बनाना है। बाकी बातों का प्रयोग दुनिया ने कर लिया, हमको आज के समय में अपनी बातों के आधार पर एक यशस्वी प्रयोग दुनिया को देना है। देश का जीवन कैसे खड़ा किया जा सकता है स्व के आधार पर। और ये नहीं कि हम नहीं कर रहे, हम कर रहे, सरकारी नीतियों में भी ये प्रकट हो रहा है। नई अंग्रेजी में कहते इनोवेटिव, ऐसे उपाय करके अपना देश आगे बढ़ रहा है, नीतियां ऐसे चल रही है। लेकिन प्रशासन ने भी ऐसा चलना चाहिए, तो प्रशासन के दिमाग में ये बात चाहिए, वो पूरी है ऐसा लगता नहीं, उनको तैयार होना पड़ेगा। और शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही लेंगे, परंतु समाज को भी करने की आवश्यकता है, समाज को भी अपने स्व का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
ये समझ में आना चाहिए कि हमारी सब बातों में हमारा स्व है, इसलिए हमारी कौन सी बातें काल सुसंगत है उनको रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें दुनिया में चल रही जिससे हमको सीखना है उसको हमको लेना है परंतु देशानुकूल बनाकर लेना है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी अपनी है वो समयानुकूल है कि नहीं, काल सुसंगत है कि नहीं, ये देखते हुए उनमें आवश्यक परिवर्तन करते हुए जो काल बाह्य हो गई उनको छोड़ते हुए हमको भी अपने आचरण को बदलकर आगे चलना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण देश को आगे बढ़ना है तो शासन की स्व आधारित युगानुकूल नीति बन रही है, धीरे धीरे ही बनेगी, गलत नीति पर पोथी निष्ठता के कारण या भ्रामक कल्पनाओं के कारण इतना आगे चले गए थे, एकदम अबाउट टर्न नहीं हो सकता, ऐसे हम गए अब धीरे धीरे मुड़ रहे हैं, वो काम होगा परंतु उसके साथ साथ हमको प्रशासन की तत्पर सुसंगत लोकाभिमुख कृति चाहिए, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है समाज का मन वचन कर्म से सहयोग और समर्थन, इससे देश की स्थिति में परिवर्तन आएगा। आज की हालत में अपने मूल्यों पर हम खड़े होकर अगर परिवर्तन लाते हैं तो उससे दुनिया को नया रास्ता मिल जाएगा। अब यह हम करने लगे लेकिन थोड़ा और एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते, क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा, इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी, वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे, इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। और कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो खाटी संघ वाला हो या कम्युनिस्ट हो, अगर वो प्रामाणिक है, निस्वार्थ बुद्धि से काम कर रहा है, तो उनके लिए वो बाधा ही बनता है, ये जानकर ऐसे सब लोगों का वो विरोध करते हैं। अभी एक नया नाम उनका चलता है दुनिया में, कल्चरल मार्क्सिस्ट या वोक, यानी जगे हुए, वो किज़म, ऐसे शब्द चलते हैं। नाम तो मार्क्स का लेते हैं लेकिन 1920 में ही उन्होंने समझा कि मार्क्स में ने जो भविष्यवाणी की वैसा होने वाला नहीं है, तो वैसा होने के नाम पर हमारे हाथ में पूरी दुनिया की पकड़ आ जाए, इसलिए तब से ही उन्होंने अपना उद्योग प्रारंभ किया है, इसलिए उसी समय उन्होंने मार्क्स की बातों को भुला दिया और आगे बढ़ रहे, और आजकल वो जो कहते और बोलते और बताते हैं विश्व की सारी सुव्यवस्था का उनका विरोध है, विश्व में मांगल्य का, संस्कार का, संयम का उनका विरोध है, अनिर्बंध स्वैराचार का वो पुरस्कार करते हैं, ये पुरस्कार
सहज हो जाए, जोर से हो जाए, इसलिए माध्यमों को और अकादमियों में अपना वर्चस्व स्थापित कर उनका उपयोग करते हैं, देश की शिक्षा को भ्रष्ट करते हैं, देश के संस्कार को भ्रष्ट करते हैं, राजनीति, सामाजिक वातावरण, इन सब को भ्रम और भ्रष्टता का शिकार बनाते हैं। असत्य, विपर्यस्त और अतिरिंजित वृत्त के द्वारा ये भ्रम और द्वेष फैलाना, भय फैलाना आसान हो जाता है। उसके चलते जो झगड़े बनते हैं, उन झगड़ों में उलझाकर समाज को अपनी पकड़ में लाना, अपनी अधिसत्ता में फांसना, ये वो करते हैं। किसी भी राष्ट्र की जनता में ऐसी अनास्था, दिग्रम, दिभ्रम, परस्पर द्वेष उत्पन्न करने वाली ये जो प्रणाली है ना, अपने यहां चाणक्य नीति में उसका नाम है मंत्र विप्लव। विष से एक आदमी मरता है, बाणों से एक को ही मार सकते हैं, लेकिन मंत्र विप्लव से प्रजा सहित राजा का नाश होता है, ऐसी उक्ति है। ये इन लोगों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित करने की जो उद्योग चलते हैं, उसमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन करने का अविवेक भी चलता है। यह अपेक्षित नहीं है लेकिन होता है। और समाज में अगर आत्मविस्मृति है, समाज में अगर अनेक प्रकार के भेद है, आपस में लड़ाई है, स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। और इसलिए इन आसुरी शक्ति को बल न बढ़े ऐसा हमको देखना है। हम इधर उधर की घटनाएं देखते हैं तो ये सहज बात ध्यान में आती है कि ऐसा कुछ है। अभी मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा। ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये उत्साह भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम करना पड़ेगा। वहां लोगों के मन टूट गए, केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। संघ के स्वयंसेवक पहले से अंत तक वही करते रहे, आज भी कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, समग्र दृष्टि से सबको देख रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं शांति रखने की। और ऐसी परिस्थिति में भी समाज में टूटन पैदा न हो, इसके लिए उस परिस्थिति में भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, स्वयं को उस उकसावे में, उस भड़काने वाली परिस्थिति में दिमाग पर बर्फ रखकर उन्होंने काम किया है। हमको उन स्वयंसेवकों पर गर्व है, जैसा काम उन्होंने मणिपुर में किया, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, उनके कार्यों पर और उन स्वयंसेवकों पर, दोनों पर हमको गर्व है। लेकिन वहां सबको काम करना पड़ेगा, सरकार की इच्छा शक्ति तो है ही,
उसके साथ साथ प्रशासन की कृति, जैसा मैंने कहा, उसको लाना पड़ेगा, सक्रियता कुशलता दिखानी पड़ेगी। अविश्वास को खाई को पाटने में प्रबुद्ध नेतृत्व को भी वहां के भूमिका बनानी पड़ेगी, लंबा काम करना पड़ेगा। ऐसी अनेक घटनाएं हम देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर यही है, परस्पर टीका टिप्पणी में न उलझते हुए हमको एकता की ओर बढ़ना पड़ेगा। हर परिस्थिति में यह एकता का भान समाज के विवेक को जागृत रखता है। चंगुलों में समाज फंसता नहीं, षड्यंत्रों के अधीन नहीं होता, उसका कारण यह एकता ही है। संविधान में इसी एकता को, एकात्मता को एक मार्गदर्शक तत्व के नाते उद्धृत किया है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान संसद में देते समय जो दो भाषण किए हैं, उन भाषणों को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि उसमें भी यही संदेश है बंधुभाव का। उसको कैसे लाना, दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के देशों ने कुछ मानव निर्मित आधार खोजे एकता के। कहीं पर एक रिलीजन आधार बना, कहीं पर एक भाषा आधार बनी, कहीं पर समान आर्थिक हित आधार बने, जिसके आधार पर और उन्होंने एकता लाई। लेकिन ध्यान में आता है कि आधार टिकाऊ नहीं है और वो देश उसमें बहुत ज्यादा विविधता नहीं है। उन देशों को यह समझ में नहीं आता है कि भारत में इतनी भाषाएं, इतने पंथ संप्रदाय, इतने खान पान रीति रिवाज, इतने दूर दूर के अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रांत होने के बाद भी सदियों से भारत एक होकर चल रहा है, उसका आधार क्या है उनको समझ में नहीं आता। उनको आश्चर्यचकित करती है ये बात और उनको आकर्षित भी करती है। इसलिए वो लोग आते हैं भारत में, आकर कहीं ना कहीं ये बोल जाते हैं कि भारत से हारमोनी सीखनी चाहिए, सारे दुनिया को उसकी जरूरत है, भारत सिखाएगा। इसका आधार क्या है, हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी एकता का आधार है हमारी सर्वसमावेशक संस्कृति, जो किसी को पराया नहीं मानती, विविधताओं को वो अलगाव नहीं मानती, विविधता को वो श्रृंगार मानती है, उसका उत्सव करती है, उसका स्वीकार करती है। यह हमारी सर्वसमावेशक संस्कृति हम सबको जोड़ती है, और केवल जोड़ती नहीं है, हमको सिखाती है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा कुटुंब है, तुम्हारा कुटुंब अकेला नहीं, तुम्हारा गांव है, तुम्हारा गांव अकेला नहीं, तुम्हारा जनपद है। ऐसा करते करते जनपद से, देश देश से, राष्ट्र राष्ट्र से, अंतर्राष्ट्रीयता, वसुधैव कुटुंबकम तक, विश्व के साथ एकात्मता, जड़ चेतन सारा विश्व, हे विश्वची माझे घर, ये सिखाती है। ये सिखाने वाली हमारी संस्कृति हमको एक करने वाली है, ऐसी बनी। इसका कारण क्या है? हमारे पूर्वजों ने ये प्रत्यक्ष देखा, ये थियरी नहीं है, थियरी के आधार पर प्रयोग नहीं किया, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति की, सारा विश्व एक है, एक से ही अनेक निकला है। इसलिए अनेकता का श्रृंगार के नाते स्वागत करो, स्वीकार करो, उत्सव करो, लेकिन हमेशा उसके अंदर जो एकता है उस पर अपने कदम पक्के रखो। इस सत्य के साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने और तीन मूल्यों को आगे बढ़ाया। सत्य है सब अपने हैं, क्योंकि सब एक से ही निकले हैं, और इसलिए परस्पर सद्भाव करुणा प्रेम होना चाहिए। ऐसा होने के लिए विकार आड़े आते हैं, स्वार्थ आड़े आता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आड़े आते हैं, उसको दूर हटाओ, अंतर बाह्य पवित्र हो जाओ, शुचिता, और जीवन में इसके लिए परिश्रम करो, तपस्या करो। तपस्या अपना केवल पेट भरे या मैं उपभोग करूं, इसके लिए नहीं है। जीवन है
मेरे सुख से दूसरों का सुख बढ़े, दूसरों का सुख बढ़ाने के लिए मेरा सुख काम आ जाए। इस तपस्या का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये जो चार मूल्य है इसकी चौखट में रहना, ये जो आचरण है ये धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। सत्य, करुणा, तपस और शुचिता, इस धर्म के आधार पर जो आचरण करना है वो तो बुद्धि से नहीं होता, वो आदत से होता है। और इसलिए आदत बनाने वाले संस्कार जिसमें है, ऐसी जीवन पद्धति दी, उससे हमारा स्वभाव बना, पीढ़ी दर पीढ़ी छोटी छोटी कृतियों में से उस आदत का हम अभ्यास करते हैं और एक स्वभाव वाले बनते हैं, वो हमारी संस्कृति है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अखंड भारत में जो अखंड भारत था उसमें आज भी कहीं भी जाओ एक आपको रीति मिलेगी। दुकान में जाएंगे आप कुछ खरीदेंगे तो ऊपर से मुट्ठी भर वैसे ही डाल देंगे, चावल खरीदा 1 किलो एक चिमटी और डाल देगा, आम खरीदे 100, 5 ऊपर मिल जाएंगे, उसका पैसा नहीं देना पड़ता। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो दुकानदार सोचता है गलती से मेरे से कम न चला जाए, मैंने कीमत ली है मैं पूरा दूंगा। ये चलता है, केवल भारत में चलता है, अखंड भारत के क्षेत्र में। कहाँ है? किसी ग्रंथ में लिखा है? इस विषय को लेकर प्रवचन होते हैं? ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर घर में हर गांव में आदत लगाई गई, वो चल रही है, उससे हमारा ये स्वभाव बना है, ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति ऐसी रहे, फलती फूलती रहे, इसलिए जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया इस संस्कृति का आचरण करने वाले समाज के संरक्षण के लिए, बलिदान दिए, उद्यम किया, पराक्रम किया, वो सब महापुरुष हमारे आदर्श है, उनके व्यवहार का हम अनुकरण करते। और ये सब ऐसे हुआ उसका और एक कारण है, और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हमारी भारत माता सुजल सुफल मलयज शीतल थी, इसलिए हम समृद्ध थे। और तीनों ओर से पर्वतमालाएं, उस पूरे को पहले हिमालय कहा जाता था, और तीनों ओर से सागर, ऐसी सुरक्षितता के परिस्थिति में थे, हम सुरक्षित थे, इसलिए हमको लड़ाई झगड़े का काम नहीं पड़ा, हमको जीवन के लिए संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा, हमने फुर्सत का उपयोग सत्य की खोज के लिए किया। जहां दुनिया बाहर का सच देखकर, उतना ही देखकर रुक गई, वहां हमने उसके परे जाकर अंदर के सत्य को खोजा, तब हमको वो सत्य मिला विश्व की एकता का। तो हमारे भारत माता का उपकार है, उसकी भक्ति, वो हम सबको जोड़ती है। हम रहे ना या ना रहे, भारतीय रहना चाहिए, ये सब पर लागू है, सब जातियों पर लागू है, सब पंथ संप्रदायों पर लागू है। हमारे देश में इतने सारे पंथ संप्रदाय है पहले से, विदेशी आक्रांताओं के कारण और भी कुछ आ गए, चलो रह गए हमारे यहां, हम सर्वसमावेशक है, हम सबको स्वीकृत करते हैं, सबके लिए लागू है भारत माता की भक्ति, हम सबके पूर्वज वही है, समान है, समान पूर्वजों का गौरव, उनके आदर्शों का अनुकरण, और इस सर्वसमावेशक सबको स्वीकार करने वाली, संस्कार देने वाली, भद्रता सिखाने वाली, सत्य करुणा शुचिता और तपस के चौखट में चलने वाली संस्कृति को स्वीकार करके चलना, यही हमारे एकता का आधार है, उसी से एकता निकलती है। स्वार्थ के आधार पर एकता होती है क्या? तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूंगा, ये सौदा कितने दिन चलेगा? ये चलता नहीं। राष्ट्र की एकता सौदों के आधार पर नहीं होती, राष्ट्र की एकता अपनेपन के कारण होती है, वो स्थायी अपनापन इन तीन बातों से हमको मिलता है, लेन देन से नहीं मिलता है। बहुत लोग मिलते हैं, वो चिंतित है, देश में जो छोटी मोटी घटनाएं होती है, ऐसी छोटी मोटी ही होती है,
लगभग पूरे समाज में एकता का वातावरण है, लेकिन उसको तोड़ने का प्रयास तो हो रहा है, इसलिए वो चिंतित है, आकर मिलते हैं, कहते हैं कि ये फितना फसाद और कितान ठीक नहीं, यानी आपस में संघर्ष ठीक नहीं, एक दूसरे को मारना ठीक नहीं, हिंसा ठीक नहीं है, विवाद ठीक नहीं है, उसके जगह सुलह समलामति और अमन पर चलना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, ये बात ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए। उसको करना है तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम लोग दिखने में अलग है, वास्तव में अलग नहीं है, हमारी पूजाएं अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, हो सकता है पूजाएं एक दो बाहर से भी आई हो, दिखने में हम अलग है, लेकिन अलग अलग लोगों को यहां एक होने की बात ही नहीं है, जो पहले से एक थे और जिनमें ये सारी विविधता का पूर्ण स्वीकार पहले से था, ऐसे हम एक लोग हैं, अपनी एकता के इन तीन सूत्रों को भूल गए, इसलिए आज आपस में हम एक दूसरे को अलग अलग मान रहे हैं। वो भूलना और अपनी एकता को याद करना, ये करेंगे तब हम जुड़ेंगे, उसी आधार पर हमको फिर से जुड़ना है हमारी समस्याएं हैं, आपस में हमारे है, कुछ विवाद हो सकते हैं, विकास चल रहा है तो विकास में हमको कुछ चाहिए, ज्यादा चाहिए, मुझे चाहिए, ये स्पर्धा है, मन वचन कर्म से सारा समाज ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है, आप तो ऐसा कहते हैं लेकिन वहां तो वैसा होता है, ये परिस्थिति है, सबका ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको ऐसा होना है और देश को ऐसा बनाना है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले यह सब ठीक हो, बाद में हम एक होंगे, ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि यह सब ठीक नहीं, इसका कारण हमने उस अपनेपन को भुला दिया, यही है, और इसलिए पहले हमको अपने में उस अपनेपन को रखना पड़ेगा, यह सब होता है तो भी क्षोभ नहीं होना चाहिए, अविवेक असंतुलन नहीं होना चाहिए, ऐसे टर्बुलेंस में भी हमको अपना दिमाग ठंडा रखकर सबको अपना मानकर चलना पड़ेगा, धीरे धीरे सबको अपने साथ चलाना पड़ेगा, अपनेपन की दृष्टि आ गई तो उसके आधार पर इन सारी बातों के समाधान होंगे, अन्यथा दूसरा कोई समाधान नहीं, ये बातें उपायों से नहीं ठीक होती, व्यवस्थाओं से ठीक नहीं होती, ये मलम पट्टियां होती है जो कालांतर में निकल जाती, नए घाव भी बनते हैं और घाव तो बहुत गहरे हैं, भारत विभाजन जैसी घटना का घाव बहुत गहरा है, लंबी परंपरा चली अपनी जो संघर्ष की, उसके चलते मन में एक दूसरे के प्रति कितना अविश्वास है, उसके चलते बातें भी होती है, उलझुल बातें होती है, धमकाने की बातें होती है, चैलेंज देने की बातें होती है, ये सब हो रहा है, लेकिन उसमें हमको ठंडे दिमाग से आगे चलना पड़ेगा, इस दृष्टि को जानना पड़ेगा, उस दृष्टि का प्रचार प्रसार इस परिस्थिति के बावजूद करना पड़ेगा, तब एकता आएगी, तब ये सारे सवाल ठीक हो जाएंगे, और इसलिए इस परिस्थिति के चलते ये समझना चाहिए, समस्या सबकी है, कौन विकास नहीं चाहता और किसकी दौड़ नहीं है अपने विकास के लिए, देश के अपने मर्यादित संसाधनों पर 140-142 करोड़ की जनसंख्या, उन सबका अधिकार है, तो स्पर्धा तो रहेगी, तो हमको मिला उनको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला उसको मिला, ये समस्याएं सबकी समस्याएं हैं, सबको जल्दी है सब ठीक हो, परंतु ये सारी समस्या है उनके कारण हम पर अन्याय हो रहा है, हमको अलग किया जा रहा है, ये विक्टिमहुड की मानसिकता है, उसके अधीन होने से काम नहीं चलेगा, कोई विक्टिम नहीं है, एक परिस्थिति है जिसमें से हमको गुजर के सबका भला करना है, हमारा भी हो सबका हो, सबके साथ हम है, पूरा समाज ठीक होगा
हम भी ठीक हो जाएंगे उसके साथ, मैं ठीक होऊंगा और बाकी समाज वैसे ही रहेगा, ये चलेगा नहीं। ये समझ के चलना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है उससे बाहर आकर चलना पड़ेगा। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजनीति अपने देश में स्पर्धा पर चलती है, स्पर्धा में अनुयायी अपने पीछे ज्यादा खड़े हो इसलिए समाज को बांटना ये दुर्भाग्य से रीति बन गई, और इसलिए राजनीति से इन प्रश्नों का हल नहीं निकलेगा। राजनीतिक वर्चस्व कमाकर हम इसको ठीक करेंगे, ये बात बेकार है। हमारी लोकशाही है, प्रजातंत्र है, इसमें सब लोग समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, उसकी पद्धति से ही हमको चलना पड़ेगा। परंतु समाज की एकता के लिए हमको राजनीति से अलग होकर सारे समाज का विचार करते हुए चलना पड़ेगा। ये नहीं मानना कि ऐसा करने में कोई हम शरण जा रहे किसी को, यह भी नहीं मानना कि लड़ाई चल रही थी अब युद्धबंदी हो गई, सीज फायर हो गया, ऐसा नहीं है। ये किसी के स्वार्थ की, किसी पार्टी की पुकार नहीं है, अपनी इमेज ठीक करने का एक्सरसाइज नहीं है, ये अपनेपन की पुकार है। जिनको सुनाई देगी उनका भला होगा, जो फिर भी नहीं सुनेंगे उनका क्या होगा मुझे पता नहीं। अपनेपन की सुका ये लेकर चलना पड़ेगा आपने। फिर से मैं याद दिलाता हूं, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के वो दो भाषण पढ़िए, बार बार पढ़िए, पारायण करने लायक है। जैसे हम अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं प्रतिवर्ष, हमारे संघ के स्वयंसेवक डॉक्टर साहब का चरित्र प्रतिवर्ष पढ़ते, वैसे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के समग्र नहीं पढ़ सकते, कम से कम वो दो भाषण प्रतिवर्ष पढ़ते रहिए 15 अगस्त 26 जनवरी को, उसमें यही संदेश है। और ये काम एकाएक होने वाला नहीं है, लंबा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि घाव बहुत गहरे हैं, उनको भरने में समय लगेगा। वो घाव गहरे इससे क्या क्या अनुभव आते हैं, वाणी अविवेक तो दिख ही रहा है, यहां तक होता है कि मुझे किसी बस्ती में घर नहीं मिलता, मैं घर ढूंढने गया तो मुझे अपने बस्ती में ही जाना पड़ता है, दूसरे बस्ती में नहीं मिलता। एक ही देश के रहने वाले लोग इतने पराये हो गए, लेकिन ये अनुभव आते हैं। ये कटुता है समाज में, लेकिन हमको उससे अलिप्त रहना है। जिनको ये करना है, जो संपूर्ण समाज की एकता चाहते हैं, भारतवर्ष एक होकर परम वैभव संपन्न बने ऐसा चाहते हैं, जो वास्तविक हिंदुत्व के अभिमानी है, ऐसे सब लोगों को जो जो ये चाहते हैं उनको अपने जिह्वा पर संयम रखना पड़ेगा। झगड़े की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा अलग होती है। दोस्ती की भाषा शरणागति नहीं है, दोस्ती की भाषा दुर्बलता नहीं है, शक्ति संपन्न बनकर दोस्ती करना। शक्ति संपन्न जब अच्छे लोग बन जाते हैं तो उससे वो गुंडागर्दी नहीं करते, वो सबको शक्ति संपन्न बनाते हैं, दुर्बलों की रक्षा करते हैं, वो सबको अपना मानकर चलते हैं, समदृष्टि रहते हैं, शील की भी ताकत रहती है शारीरिक शक्ति के साथ साथ। वो शील हमको विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणो गवि अस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडित यानी विद्वान यानी जानकार लोग सबको समान नजर से देखते हैं, यह बताता है। ऐसा हमको चलना पड़ेगा, सहन बहुत करना पड़ेगा, उकसावे में आना छोड़ देना पड़ेगा, अविश्वास छोड़ना पड़ेगा, अपने जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। किसी एक तरफ ये इशारा नहीं है, सभी तरफ है, सभी तरफ से होता है, सब जगह ऐसे लोग हैं जो ये समझते नहीं, या ऐसे लोग हैं जो ये होने देना नहीं चाहते, उनको छोड़ दो, उनको इग्नोर करो, अपने रास्ते पर बढ़ो, सबको जुटाओ, ऐसा चलना पड़ेगा। तो फिर इस देश में इन घातक खेलों की माया में से बचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बातें चलेगी, गुंडागर्दी होगी तो उसका तो इलाज एक ही है, संगठित बल संपन्न समाज, नागरिक अनुशासन, कानून सुव्यवस्था
और संविधान का पालन करके चले, इस गुंडागर्दी के प्रतिकार में शासन प्रशासन का सहयोगी बन के चले, यही उसकी उसका उपाय है। इसलिए बल संपन्न संगठित समाज बनाने का काम संघ कर रहा है। सावधान रहना है क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है, अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का, उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका कर बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सब ने करना चाहिए, मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है, उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़क कर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया, अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट उसको देना, ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। संघ ऐसे जाएगा। 1925 के बाद, 1925 को संघ शुरू हुआ, 2025 100 साल पूरे होते हैं, 26 तक वो हम शताब्दी का वर्ष, 100 साल पूरे होने बाद का वर्ष हम मनाएंगे। और इसलिए उपरनिष्ठ निर्दिष्ट सभी बातों में संघ के स्वयंसेवक पहल करेंगे। संपूर्ण समाज में, आचरण में, उच्चारण में देश के प्रति अपनत्व, संपूर्ण देश के प्रति अपनत्व की भावना प्रकट हो। मंदिर पानी स्मशान में कई भेदभाव बाकी है तो वह समाप्त हो। परिवार के सभी सदस्यों में, कुटुंब के नित्य मंगल संवाद, संस्कारित व्यवहार व संवेदनशीलता बनी रहे, बढ़ती रहे, उनके द्वारा समाज की सेवा होती रहे। सृष्टि के साथ संबंधों का आचरण, अपने घर से पानी बचाकर, प्लास्टिक हटाकर और घर आंगन में और देश में हरियाली बढ़ाकर हो। स्वदेशी के आचरण से देश का भला होता है, देश आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता का कई प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है, समाज भी इसमें चले। स्वनिर्भर होना, स्वावलंबी होना, फिजूल खर्ची नहीं करना, देश में रोजगार बढ़ना और देश का पैसा देश के ही काम आना, ये स्वदेशी है। उस स्वदेशी का आचरण भी अपने घर से प्रारंभ होना चाहिए। कानून व्यवस्था और नागरिकता के नियमों का पालन हो। समाज में परस्पर सद्भाव और सहयोग की प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त हो। इन सभी आचरणात्मक बातों का होना सब चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से प्रारंभ कर उनके अभ्यास के द्वारा इस आचरण को अपने स्वभाव में लाने का सतत प्रयास आवश्यक है। संघ के स्वयंसेवकों को प्रयास स्वयं करेंगे और समाज को भी उस प्रभाव में जोड़ेंगे। अभावग्रस्त बंधुओं की सेवा, समाज की आपत्तियों में सेवा संघ के स्वयंसेवक नित्य करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस पर संघ के स्वयंसेवक आगे लगेंगे, उसकी तैयारियां उन्होंने प्रारंभ कर दी है। समाज हित में शासन सोचता है, प्रशासन और समाज शक्ति भी, समाज की सज्जन शक्ति भी कुछ करती है, उन सब में संघ के स्वयंसेवकों का योगदान रहेगा। समाज की एकता, सजगता और सभी दिशा में निस्वार्थ उद्यम, जनहितकारी शासन और जनोन्मुख प्रशासन, स्व के अधिष्ठान पर खड़े होकर परस्पर सहयोग पूर्व प्रयास प्रत रहते, तब राष्ट्र बल वैभव संपन्न बनता है। और ऐसा राष्ट्र ही अपनी संस्कृति पर सबको अपना कुटुंब मानने वाली, तमस से प्रकाश को की ओर ले जाने वाली, असत से सत की ओर ले जाने वाली और मर्त्य जीवन की सार से अमृत जीवन की सार्थकता तक बढ़ाने वाली संस्कृति, हमारी संस्कृति जैसी है वैसी जब वो संस्कृति होती है, तब वह राष्ट्र
विश्व का खोया हुआ संतुलन वापस लाते हुए विश्व को सुख शांतिमय नव जीवन का वरदान प्रदान करता है। ऐसा भारत हमको बनाना है, ऐसे भारत बनने का, हमारे राष्ट्र के नवोत्थान का दुनिया में यही प्रयोजन है। चक्रवर्तियों की संतान लेकर जगत गुरु का ज्ञान, बढ़े चले तो अरुण अभियान, करने को आए अभिषेक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक, भारत माता की जय। संघ तक्ष ध्वज प्रणाम, एक दो तीन। संघ वी किर वाम फृद आह्रम स्वस्थ।
संघ तक्ष। पीछे के कार्यकर्ता ने दौड़कर संख्या लेना है, संख्या